हे एवरी वन माई नेम इजाती यू आर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैगनेट ब्रेन वेलकम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नाइन्थ चैप्टर ऑफ आर एन सी आर टी बुक एंड अ पैक विद द सन एंड दिस नेम इज वॉट हैपन टू दैप्टल्स अब रेप्टल्स जेपटाइल्स क्या होते हैं जेप्टाइल्स मतलब ये जितने भी लिजर्स होते हैं स्नेक्स होते हैं सो एवरीथिंग दैट क्रॉल्स उसको हम बोलते हैं जेपटाइल ओके okay, जितने भी जो सांप बिच्छू मतलब जो ऐसे रेंगने वाले होते हैं उन सबको हम रेप्टाइल्स कहते हैं एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्योंकि मैंने बताया था इस बुक में हम जितनी भी स्टोरीज पढ़ने वाले हैं इन सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मोरल छुपा हुआ है और इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मोरल है जो कि आपको एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए काफ़ी हेल्प करेगा सो वी आर गोइंग टू रीड दिस अमेजिंग स्टोरी रिटन डन बाटिकल एंड लेट्स स्टार्ट

प्लीज हज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पंबूपति बाई चांस अब जो हमें ये पूरी जो स्टोरी नरेट की है जिसके मतलब किसकी आवाज में है यह स्टोरी प्रेम की आवाज़ में है प्रेम जो है उसके गाँव में कुछ होता है समथिंग अनप्लेजेंट और वो वहाँ से भाग जाता है भाग के कहाँ पहुँचता है पंबूपति पहुँचता है एंड ओल्ड रेसिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अब जो होता है एक ओल्ड रेसिडेंट रेसिडेंट मतलब जो भी वहाँ रहता है तो पंबुपति में एक जो बहुत ही ओल्ड आदमी रहता था उसने उसको अपने घर पे रोका और उसके बाद उसको बहुत अच्छी सी और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई तो अब इसमें रेप्टाइल्स कहाँ से आए हैं तो ये जानने के लिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा सो लेट्स बिगिन यू मे नॉट बिलीव द स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पम्बूपति अलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल अब ये स्टोरी कौन नरेट कर रहा है प्रेम नरेट कर रहा है वो उसने क्या बोला हो सकता है आपको ये स्टोरी पर बिल्कुल बिलीव नहीं हो लेकिन प्लीज बिलीव बिकॉज आई एम टेलिंग यू ये स्टोरी मैंने खुद जो है मेरे साथ हुई है एंड इट्स वेरी ट्रू एंड वॉट इज इट अबाउट ही सेंग दैट इस चीज़ पर इसीलिए बिलीव करो क्योंकि मैं पंबुपति जा चुका हूँ एंड इट इज अलेज विच इज ऑन द एज ऑफ द जंगल मतलब जैसे जंगल का जो एकदम जहां खत्म होता है जंगल वहां पर है ये विलेज इट इज ऑन अ क्लिफ एंड बिलो लाइक कार्पेट एंड द वर्स्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कार्पेट सो इट इज ऑन अ क्लिफ क्लिफ क्या होता है जैसे बहुत ही ऊंचा सा पहाड़ होता है जिसकी एक साइड खाई होती है या नदी बह रही होती है क्लिफ उसको कहते हैं हम क्लिफ का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है रॉक फेस एट द एज ऑफ द सी अब ये एक क्लिफ पे है एंड द वास्ट फॉरेस्ट बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कार्पेट तो मतलब एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे है और उसके जस्ट बगल में क्या है एक बहुत ही वास्ट फॉरेस्ट है वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जो कि बहुत दूर तक स्ट्रेच करता है लाइक like अ मौसी का मतलब क्या होता है जो कि पूरा मतलब जैसे अगर मान लो कहीं पे पूरी जो फंगस लग जाती है या लग जाती है तो कैसे ग्रीन -ग्रीन दिखता है? तो वैसे अगर आप नीचे देखोगे तो पूरा ही ग्रीन दिखता है ग्रीन बहुत बड़े से ग्रीन कारपेट जैसा दिखता है वो देर आर मेनी काइंड पीपल इन द विलेज डार्क फेयर टॉल शॉर्ट अब जो ये हम विलेज की बात करें पंबूपति उसमें हर तरीके के लोग हैं डार्क Fair, tall, short. और ये तो हर होता है हर जगह ऐसा तो होता नहीं है ना कि कोई एक पर्टिकुलर वेलेज में वहां पर सिर्फ एक ही हाइट के लोग हैं सबके सब मोटे ही सबके सब एकदम छोटे ही हैं. ऐसा तो होता नहीं है हर तरीके के लोग होते हैं हर जगह पे दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस समीट सम डोंट सम प्रे इन स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट अदर्स प्रे इन मॉस्क सम माइल सबई अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें डाइवर्सिटी बता रहे हैं हमें बता रहे हैं कि वहाँ के लोग ऐसा नहीं, नहीं है कि सब के सब हिंदूज हैं सबके सब मुस्लिम्स हैं सबके सब क्रिश्चन सब हैं सबके सब, सब सिख हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो हर कोई जो है वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं कुछ लोग जो हैं वो टेम्पल जाते हैं प्रे करने के लिए और कुछ लोग जो हैं वो मॉस्क जाते हैं प्रे करने के लिए मतलब वो ये बताना चाहता है कि अलग अलग कास्ट के अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वहाँ पर माई नेम इस प्रेम एंड आई लिव मैनी हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम पम्बूपति मेरा नाम प्रेम है और मैं पम्बूपति से बहुत मीलों दूर रहता हूँ आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देर देन लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपेंड तो मैंने उस जगह ये जो पम्बूपति विलेज है इसका नाम सुना हुआ था लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया था लेकिन लास्ट ईयर कुछ बहुत ही बुरा हुआ टेरेबल मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेसेंट तो कुछ बहुत ही बुरा हुआ द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड मतलब मेरे खुद के जो गाँव वाले थे वो सबके सब पागल हो गए अब पागल हो गए का मतलब ये नहीं है कि के सबके सब बावले हो गए कैसे पागल हुए थे फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बोर्न डाउन एंड दे वेंट मैड तो जहाँ पे वो रहता था जहाँ प्रेम का जो विलेज था उस विलेज से बहुत बहुत दूर में कोई टेम्पल या मॉस्क जो था उसको गिरा दिया गया या उसको मतलब इट वाज बर्न्ड, उसको पूरा जला दिया गया जो कि उनके विलेज में भी नहीं था वहाँ से मीलों दूर था लेकिन कहीं पे एक टेंपल को या किसी मॉस्क को जला दिया गया और वो लोग यहाँ पूरे जो थे पागल हो गए मतलब लड़ने लग गए बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं हम कम्युनल राइट्स की बात कर रहे हैं तो जो आप धर्म के नाम पर जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और आपके यहाँ कर्फ्यू लग जाता है लोग जला देते हैं एक दूसरे का घर जला देते हैं हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखी है लेकिन लिटरली लोग ये करते हैं सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कम्युनल राइट्स दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन एन अदर तो अब जो गाँव के सारे लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ने लग गए सम हेड टू रन अवे इन दिडल ऑफ द नाइट अब लोगों के अंदर इतना डर आ गया लोग घर जला रहे हैं गाड़ियाँ जला रहे हैं मार रहे हैं एक दूसरे को तो सब लोग भाग गए वहाँ से रात ही रात भाग गए वहां से एंड एट थ्री इन द मॉर्निंग एज आई ले इन दा हाउस तो थ्री मतलब सुबह के तीन बजे जब वो अपने घर में था हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस देर तो उसको ऐसा लगा कि क्या हो रहा है ठीक है क्योंकि बाहर दंगे हो रहे थे उसको नहीं पता था वो सो रहा था तो जैसे ही वो आधा जागा हुआ था तो उसको आवाजें आई वायलेंस की, की। रियलाइज किया कि वहाँ फायर है। तो सबके सब लोगों ने घर के घर जला दिए और उसमें से एक मेरा घर था जो जल रहा था आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स सम को माई लिटिल गणेश टैच्यू एन आइजन रैन तो मेरे पास अब आप, आपका घर जल रहा है आप क्या अपनी सारी चीज़ें तो आप नहीं बचा सकते तो उसने क्या किया बहुत मुश्किल से फटाफट अपने कुछ कपड़े लिए सम कॉइंस का मतलब उसने थोड़े पैसे रखे जितने उसको मिले थोड़े बहुत पैसे रखे और उसके पास एक गणेश जी की स्टैचू थी उस गणेश जी की स्टैच्यू मतलब मूर्ति उसको ले वो वहाँ से भाग गया आई रैन फॉर अ डे एंड नाइट रेस्टिंग वेन एवो माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर तो वो भागता रहा भागता सुबह से लेकर रात तक भागता ही रहा भागता ही रहा और जब भी बहुत ज्यादा थक जाता था व, ran and stopped. Resting मतलब स्टॉप वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी मतलब जहाँ मेरे पैर जो हैं वो बहुत ज्यादा थक जाते थे तो मैं वहाँ थोड़ी देर रुक जाता था आई जम्प डॉन टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस नो टिकट्स नीवर माइंड एवरी वन सीम टू बी रनिंग वो पहले एक जो ट्रेन थी उसमें चला गया फिर ट्रेन जहाँ रुकी वहाँ से एक बस में चला गया कोई टिकट्स नहीं थे लेकिन किसी के पास टिकट्स नहीं थे उन लोगों को उस वक्त सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था कोई चेक नहीं कर रहा था क्योंकि हर कोई वहाँ से भाग रहा था फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबूपति एंड आई सॉ समेजस गैदर्ड नियर अ वेल फाइनली वो कहाँ पहुँचा पम्बूपति पहुंचा उसने क्या देखा कुछ विलेजर्स थे जो कि एक वेल के पास में इकट्ठा हुए थे गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से थिंग आई फेंटेड तो वो भाग रहा था वो तो मतलब बिना कुछ खाए पिए से भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए तो जैसे ही उसने उन विलेजर्स को देखा तो वो दौड़ के उनके पास गया जितनी उसके पास बची कुछ ही ताकत थी और जैसे ही वो उनके पास पहुंचा इससे पहले कि वो तो कुछ कह पाए वो जहाँ के वहाँ पे फेंट हो गया फेंट का मतलब अनकॉन्शियस हो जाना बेहोश हो जाना वेन आई ओपन माई आईज I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me. और जब मेरी आँख खुली जब मुझे होश आया मैंने क्या देखा कि मेरे पास कोई एक बहुत ही बूढ़े से व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके एकदम सफ़ेद बाल हैं सफ़ेद एकदम दाढ़ी है और एकदम उनकी जो आइज़ हैं वो एकदम शाइनिंग ब्लैक आइज़ हैं वो मेरी तरफ़ झुक के मुझे देख रहे थे For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. और आने वाले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा मुझे खाना खिलाया और नदी से मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी भी लेके आते थे He rubbed my feet gently and made the pain go away. तो उस बुरे व्यक्ति ने जो प्रेम था उसके पैर भी दबाए और उसका जो पूरा जो पेन था फाइनली चला गया नेबर्स स्ट्रेंजर्स एवरी वन केम टू विजिट मी तो अब वो क्या बता रहा है कि वो एक स्ट्रेंज गांव में गया है जहां वो किसी को नहीं जानता लेकिन लोग उससे मिलने आ रहे थे स्ट्रेंजर्स उससे मिलने आ रहे थे और उसका हालचाल पूछने आ रहे थे टेल मी ग्रैंड फादर आई सेट टू हिम वन डे आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विजर्स ह्यो तो उसने क्या बोला दादाजी आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने तो मतलब कुछ अलग है यहाँ पे मैंने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे लोग अपनों के लिए नहीं करते मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ जिसको जो किसी को नहीं जानता जिसका यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है लेकिन आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं मैंने तो ऐसे लोग कहीं नहीं देखे इन माई विलेज पीपल फाइट विद दो प्रे टू अनदर गॉड और मेरे जो विलेज में लोग जो दूसरे भगवान को प्रे करते हैं उनसे झगड़ा करते हैं मतलब जो आपको आप आप शिव जी को मान रहे हो गणेश जी को मान रहे हो उन लोगों वो लोग उनसे झगड़ा कर रहे हैं जो अल्लाह को मान रहे हैं या जो क्रिश चीसस को मान रहे हैं तो ये क्या है मैंने तो ऐसे लोग कहीं नहीं देखे बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस ये तो बहुत ही अलग तरीके की जगह है जहाँ पे बिना मतलब के एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं लोग प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पम्बूपति उसने बोला प्रेम मैं तुमको पम्बूपति की स्टोरी बताता हूँ यू कैन टेक द स्टोरी बैक टू योर विलेज और अब तुम जब वापस अपने विलेज जाओगे तब ये स्टोरी लेके जाना मे बी इट विल हील सम ऑफ़ इट्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स मे बी इट विल हील हील करना मतलब ज़ख्म भर देना हील करना मतलब क्या होता है टू कॉज टू बिकम और हेल्दी अगेन जैसे अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप हील हो जाओगे अगर आप दवाई लोगे तो तो हो सकता है वो हील कर दे सम ऑफ़ इट्स मतलब जख्म तो जख्म मतलब क्या है कि जो लोगों के अंदर जो नफरत है उसको यहाँ पे इन्होंने किस चीज से कंपेयर किया है उस सिटी के वूंड से कंपेयर किया है तो यहाँ पे इस लाइन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वून्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोस सोस का मतलब क्या होता है जो आपको स्वेलिंग आ जाती है छाले पड़ जाते हैं तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जब लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जो नफरत है या आप धर्म के नाम पे जो लड़ाई कर रहे हो तो इसको उन्होंने किससे कंपेयर किया कि उस सिटी के वून्स हैं उस सिटी के सोर्स हैं तो तुम एक काम करो जो मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ वो स्टोरी को सुनो और स्टोरी को लेकर उस गाँव में जाओ हो सकता है उस गाँव में से उस सिटी के जो वून्स हैं और स्वेलिंग है वो हट जाएगी Oh, grandfather, I said anxiously, don't say that. What have I seen in my village makes me burn with shame. I never never want to go back there. Tosnikab Dada nahi. मुझे मत भेजो वहाँ पे मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहता जो भी वहाँ पे हुआ है मैंने जो कुछ भी वहाँ पे देखा है उससे मुझे शर्म आती है मतलब आई बर्न विद कि मेरे मेरे जो विलेज के लोग हैं वो इस तरीके के काम कर रहे हैं मैं तो वहाँ पे कभी भी नहीं जाना चाहता मैं आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर सो बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक तो उसके जो जो दादाजी होते हैं जो उसका ख्याल रख रहे हैं वो उससे क्या कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारा जाना जरूरी है ही सेट इन अ सॉफ्ट वॉइस आई केप्ट क्वाइट आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वॉन्टेड टू हेयर हिस्टोरी लेकिन जब उन्होंने कहा इसीलिए तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो मैंने कुछ नहीं कहा ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगा हम किसकी बात कर रहे हैं हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम क्या सोच रहा था कि उसको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगा लेकिन वो उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता था आर्ग्यू का मतलब वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था डिबेट नहीं करना चाहता था एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हेयर द स्टोरी सो दैट्स वाई ही जस्ट केप्ट क्वाइट नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ पम्बूपति

कोई स्कूल्स नहीं थे कोई टीचर्स नहीं थे और जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ गुफाओं में रहते थे केव्स का मतलब क्या होता है गुफा में सो so बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गुफाओं में रहते थे और वो अपने पेरेंट्स को किस चीज़ में हेल्प करते थे टू कलेक्ट फ्रूट मतलब वो गुफा में रह रहे हैं मतलब वो पेड़ पर पे जो फ्रूट्स लगते हैं बेरीज लगती हैं उसके भरोसे रहते थे तो दे यूज टू हेल्प देअर पेरेंट्स इन कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एट दैट टाइम देर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स एंड पम्पूपति आर फॉरेस्ट और उस टाइम पे फॉरेस्ट में ना टाइगर्स थे ना पैंथर्स थे ना एलिफेंट्स थे मतलब जितने भी बड़े बड़े जानवर होते हैं कुछ नहीं थे क्या था फिर वहां पे? देर वर ओनली रेप्टाइल्स मेनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स तो उन्होंने क्या बोला कि वहां पे सिर्फ रेप्टाइल्स थे बहुत तरीके के रेप्टाइल्स uh, थे नाउ यू नो वट रेप्टाइल्स आर क्या तुम जानते हो रेप्टाइल्स किसे कहते हैं स्नेक्स क्रोकोडाइल्स टोटल्सर्ट्स इनको आप बोलते हो रेपटाइल एंड यू नो दैटाइल हैज इट्स बॉडी एंड इट लेस एग्स और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं स्केल्स का मतलब क्या होता है ईच ऑफ द स्मॉल थिन होनी और बोनी प्लेट्स प्रोटेक्टिंग द स्किन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स टिपिकली ओवरलैपिंग वन अनादर अब जब क्या होता है जो स्नैक ये लोग क्रॉल करके चलते हैं ठीक है तो इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं ऐसी पलटें होती हैं और वो क्या करता है जब वो चलता है ना तो वो उसको हेल्प करता है टू मूव फॉरवर्ड और वो जो स्केल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड इट लेस एग्स और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं दे ले एग्स एवरी मंथ द रेप्टंबूपति हैड अ बिग मीटिंग और हर महीने जो पम्बूपति के जितने भी रेप्टाइल्स होते थे उनकी एक बड़ी सी मीटिंग होती थी एवरी वन केम द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स द स्लो थॉटफुल टोर्टोसिस द्लेवर क्विक लिजर्ट एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स ग्राम्पी बिकॉज देवर आउट ऑफ वाटर तो अब यहाँ पे क्या होता था जब मीटिंग होती थी ना सब लोग आते थे Lizards आते थे स्नेक्स आते थे to आते थे अब उन्होंने क्या बोला स्नेक्स कैसे होते थे हमेशा बड़े एक्साइटेड होते थे tortoise को क्या बोला है स्लो एंड थॉटफुल टोटोइस बोला है Lizards को क्या बोला है क्लेवर मतलब बहुत ही चतुर और क्विक मतलब फास्ट और उन्होंने क्रोकोडाइल्स के लिए क्या यूज किया है मूडी एंड अ बिट ग्रम्पी ग्रम्पी मतलब वेन यू आर लाइक यू नो इरिटेटेड बैड टेम्पर्ड बैड टेपर में बार बार गुस्सा आता और उनको क्यों थोड़े से ग्रंपी होते थे उस वक्त वो क्योंकि उनको पानी से निकाल दिया गया था मीटिंग करने के लिए पानी में तो होगी नहीं मीटिंग तो मीटिंग करने के लिए बाहर आना पड़ेगा इसलिए वो बड़े थोड़े से ग्रम्पी हो जाते थे द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग्स वॉज मकारा अब इन पूरी ये जो मीटिंग्स होती थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे मकारा द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट और वो कौन था वो पूरे फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था क्या नाम था उसका मकारा ऑल द एनिमल्स था वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सबको क्या लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन सम वन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यू नो इट इज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट ही सीज और डज नाउ दिस इज अनाद वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जब कोई बहुत पावरफुल होता है बहुत स्ट्रांग होता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसके अगेंस्ट चलें क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि वो हमें हार्म भी कर सकता है जैसे सपोज क्लास में कोई एक बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और पावरफुल है ठीक है आपको पता है कि आप उससे लड़ नहीं सकते आपको पता है कि वो आपको अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो हार्म करेगा आपको तो क्या होता है जैसे अगर वो बोलता है ना कि मुझे अपना टिफिन दो तो हम बुली हो जाते हैं और हम उसे अपना टिफिन दे देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है हमें टीचर को कंप्लेन करने में भी डर लगता है और ऐसा सिर्फ क्लासेस में नहीं होता कॉलेजेस में होता है आपके ऑफिस में होता है हर जगह होता है जो लोग पावरफुल होते हैं हमें उनसे झगड़ा करने में डर लगता है हमें अपनी बात सामने रखने में डर लगता है और यही चीज़ होती थी मकाना इतना पावरफुल था कि लोग उसके सामने कुछ नहीं बोल पाते थे ना सो इट वॉज डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ वॉट ही सेज और डज मतलब अब लोगों को जितने भी लिजर्स से, थे टोटोइस थे वहाँ पे और जितने भी आपके स्नैक्स थे अगर मान लो मकाना ने कुछ नेगेटिव भी बोला है कुछ ऐसा बोला है विच इज़ नॉट इन देयर फेवर तो भी वो उससे कुछ नहीं बोल पाते थे वो जो बोलता था सबको हाँ बोलना पड़ता था ना वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपन एक दिन क्या हुआ बहुत ही अलग सी बात हुई अजीब सी बात हुई इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स मतलब जो मंथली मीटिंग होती थी उसके एक वीक पहले की बात है एक सप्ताह पहले की बात है मकारा सेंट अ लेटर टू द टोटोइस आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग मकारा ने क्या किया जो जितने भी टोटोइस थे उनको एक लेटर भेजा कि कोई ज़रूरत नहीं मीटिंग में आने की अब मीटिंग में तो हर कोई आता था तो उन्होंने टोटोइज को क्यों मना किया आहिस् द बिग star, ओल्ड स्टार tortoise with ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन ए shell was वेरी एंग्री जो आहिस्ते जो था ठीक है आहिस्ते नाम क्यों है आहिस्ता का मतलब होता है स्लो तो इसलिए टोटोइज का नाम उन्होंने क्या रखा है इस स्टोरी में आहिस्ते तो आहिस्ते जो था वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जितने भी टोटोइज था उनका स्टार टोटोइज था मतलब सबसे बड़ा था वहाँ पे वो तो जब बिग ओल्ड टोटोइस जो था वो उसको बहुत बुरा लगा और वो कैसा था उसके पास उसकी जो है ना पूरे ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स थे उसके शेल में मतलब उसका जो शेल था पूरा जो टोटोइस का जो आउट मतलब आ, शेल होता है उसमें येलो और ब्लैक कलर के पिक्चर्स थे पिक्चर्स एज एन वो शेल येलो एंड ब्लैक कलर का था उसका बहुत दिमाग खराब हुआ वट डज दिस मीन यू शाउट इड हाउ डेयर दे बट नॉट वन ऑफ द टोटो हैज द करिस्ट टू अटेंड द मीटिंग तो उसका बहुत दिमाग खराब उसने बोला यार ये क्या तरीका है ऐसा किया क्यों ऐसा क्यों किया उन लोगों ने लेकिन अब मकारा ने डिसीजन लिया है तो किसी भी टोटोइस में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मकारा के अगेंस्ट चले दे वर सो फ्यू अदर सो मैनी और टोटोइ तो इतने से थे जरा से थे और लिजर्ड स्नैक्स और क्रोकोडाइल्स तो कितने सारे थे तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की Before the meeting, the giant Makara polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. अब मीटिंग के पहले जो जॉइंट मकादा जॉइंट मतलब क्या होता है बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा तो वो बहुत बड़ा जो क्रोकोडाइल था जिसका नाम था मकादा उसने क्या किया ही पॉलिश हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री तो जो रिवर के पास में एक ट्री था जिसमें रेड फ्लावर्स होते थे तो उससे मस्त उसने अपने दांत चमकाए जब तक वो एकदम स्पार्कल नहीं करने लग गए स्पार्कल मतलब शाइन करने लग एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस अब सब मकादा का वेट कर रहे थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगेन ऑल रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल तो उन्होंने बोला भाई और बहनों जैसे उन्होंने बोला तो सब चुप हो गए इवन जो कोबराज होते हैं जो क्या होते हैं वो किंग होते हैं स्नैक्स के वो लोग भी चुप हो गए मकाना कंटिन्यूड है स्पीच और उसने अपनी स्पीच कंटिन्यू करी आई हैव डिसाइडेड दैट वी डो नॉट नीड द टो उसने क्या बोला मैंने डिसाइड कर लिया कि हमको इस जंगल में टोटोइस की जरूरत ही नहीं है आई है to और मैंने उन्हें यह भी बोल दिया है कि आज आने की ज़रूरत नहीं आप हमको ये बता सकते हो कि हमें टोटोइ लोग क्यों नहीं अच्छे लगते तो दूसरे को देखने लगे कि यार ये अचानक से क्या हुआ दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल सबको बहुत अजीब लगी ये बात The snakes hissed anxiously. The lizards wriggled their tails, and the crocodiles opened their jaws even wider. The snake hissed anxiously. मतलब snake ने हिस्स किया मतलब जो उनकी जो वो आवाज़ निकालते हैं ना जो जिसमें एस का साउंड होता है एस वाला तो वो हिसिंग मतलब उनका वो बहुत एंशियस हो गए मतलब सब लोग बहुत परेशान हो गए जो lizards थे they wriggled मतलब वो मूव करने लग गए अपनी टेल्स को और जो crocodiles थे उनके जिनको खुले हुए मूह थे वो और खुल गए बट सेट वन लिटिल लिजर्ट अब एक लिटिल लिजर्ट ने बोला लेकिन यह तो लेकिन सर तो उसने बोला नो बट्स शाउटेड मकारा देअ वॉर साइलेंस आई थिंक बेबी क्रोकोटाइल नो आई थिंक्स मतलब कोई कुछ कहना भी चाह रहा था तो एज ए लीडर आपको सामने वाले को मौका देना चाहिए लेकिन यहां उसने क्या बोला सर, no, लेकिन सर नो लेकिन बट नो बट्स आई थिंक नो आई थिंक्स

मकारा ने वापस अपने जो दांत हैं उनको थोड़ा सा चमकाया और उसके बाद वापस बोलना स्टार्ट किया वेल ही सेड आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइसेस मैं बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइस लोग क्यों नहीं पसंद हैं दे आर सो स्लो सो स्टूपिड दे कांट इवन कैरी दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स मतलब ये कितने स्टूपिड हो स्टूपिड ही होते हैं ये तो एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम बेवकूफ़ से होते हैं और इतने स्लो होते हैं धीरे धीरे चलते हैं और ऐसा कौन सा जानवर होता है जो अपना घर अपने पीठ पे लेके चलता है इतने कौन से बड़े वाले होते हैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल जरूरी नहीं है हमारे लिए हु अ हर्ड ऑफ सच स्टूपिड थिंग किसी ने सुनी है ऐसी स्टूपिड बात की अपना घर अपने साथ लेके चल रहे हो अब टोटोज इज मेड लाइक दैट उसका शेल उसके साथ होता है सो इज नथिंग रॉन्ग विद इट Now you lizards, you live in trees. अब लेजर्ट जो हैं वो ट्रीज में रहते हैं would you ever carry a tree on your back? तो तुम लोग क्या अपने बॉडी में ट्री जो है उसको कैरी करके चलोगे Would you? Small frightened voices answered together. No, we would not. अब सबको मालूम था कि हम क्या ही बोल सकते हैं वहाँ पे कुछ तो सबको डर लग रहा था, था। नहीं, नहीं हम तो नहीं कैरी करेंगे बट नो बट्स Now listen. I have have told the tortoises that they will have to move out of तो उसने क्या बोला कोई नहीं है no no... नो किंतु परंतु so basically, मैंने जो है सारे टोटोइस को क्या एक मैसेज पहुंचा दिया कि तुमको एक वीक के अंदर पंबूपति खाली करना पड़ेगा निकलो यहाँ से When they go, we will have more of everything, more food, more water, more space। अगर वो लोग चले जाएंगे तो वो लोग जहाँ रहते थे हमें वो पूरी स्पेस मिल जाएगी हमें ज्यादा खाना मिलेगा हमको ज्यादा पानी मिलेगा आई वॉन्ट दम आउट बट मोरो और मैंने उन्हें क्या बोला है कि कल तक निकल जाना वन वीक नहीं कल तक ही निकल जाना बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस लेकिन वो कितना धीरे चलते स्लो कोचेस मतलब एकदम मालगाड़ी है वो लोग आई गिवन देम वन वीक इसलिए मैंने उन्हें वन वीक दिया हुआ है बाई नेक्स्ट ट्यूजडे वी वोट है सिंगल टोटो इज लेफ्ट इन दिस जंगल अगले ट्यूजडे तक ये एक भी टोटोइ यहाँ पे नहीं होना चाहिए एंड बाई द फॉलोइंग ट्यूजडे देवर ऑल गॉन और नेक्स्ट ट्यूजडे तक क्या हुआ सारे के सारे टोटोइस को जाना पड़ा मकाना से कौन दुश्मनी लेगा एट फर्स्ट एनिमल्स वैड इनिशियली सब लोग बहुत दुखी हो गए क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंड्स होते हैं टोटो इसल उन लोगों की भी एक, एक साथ होता है उन लोगों का तो इनिशियली वो लोग बहुत सैड थे बट देन दे रियलाइज दैट वट ट्रू बट बाद में उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो भी मकारा ने कहा वो सच था अब देर वॉज मो फूड मो वॉटर एंड मो स्पेस फॉर देम अब उनके पास ज्यादा खाना था ज्यादा पानी था और जगह भी बहुत हो गई थी उनके पास रहने के लिए बट फॉरेस्ट लेकिन एकदम से क्या हुआ एक बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल जो थी वो पूरे फॉरेस्ट में फैलने लग गई इट वॉज द स्मेल ऑफ रिजॉर्ट रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर्स तो वो किस चीज़ की बदबू थी रोटिंग मतलब सड़े हुए फ्रूट्स की अब जैसे कोई एनिमल मर गया तो जो सड़े हुए जो उसकी सड़ी सी बदबू आती है तो वो एनिमल्स की जोटिंग एनिमल्स जोटिंग फ्रूट्स जो भी आसपास पड़े थे उनकी बदबू आ रही थी दिस वॉज़ वॉट द टोटोइसिस यूज टू ईट अब टोटोइसिस यही तो खाते थे जो भी सड़ा हुआ खाना होता था जो रॉटन चीज़ें होती थी वो वो खा लेते थे तो जब वो खा लेते थे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी तो वो उस चीज़ की बदबू नहीं आती थी एंड इवन मकारा होल्डिंग हिज नोज़ विद बिग क्लॉज अब इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि मकारा भी जब इधर से उधर कहीं जाता था तो उसको अपने बड़े बड़े जो क्लॉज थे पंजे थे उसके जो उससे उसको अपनी नाक बंद करके चलना पड़ता था अंथ पास बाय एंड देन द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन पूरा एक महीना गुजर गया वापस यही चीज हुई एकदम जो है अब क्या हुआ मकारा ने कुछ और किया बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स उसने वापस पहले उसने क्या किया सारे को बोला, निकलो यहां से अब उसने, उसने क्या बोला कि जो स्नेक्स हैं उनको बोला कि चलो निकलो यहाँ से कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे रहने की अब स्नेक्स तो बड़ा फास्ट चलते हैं तो उन्होंने एक ही दिन दिया कि एक दिन के अंदर ये जंगल खाली कर दो नागा हेड ऑफ द स्नेक्स

स्नेक्स कैसे होते हैं दे आर स्लाइमी स्लाइमी मतलब चिकट चिकट से होते हैं कैसे गंदे से दिखते हैं और दूसरी चीज क्या दे मेक फनी नॉइज जो ये हिसिंग साउंड होते हैं क्या ये फ़नी नॉइज निकालते रहते हैं कोई जरूरत नहीं है हमको ऐसी फनी नॉइजेस की अगेन नो वन डेयर टू डिसअग्री विद मकाल किसी की हिम्मत ही नहीं हुई डेर्ड मतलब हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उससे डिसअग्री करे, मतलब उसके उसके खिलाफ जाएँ एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट और इसलिए स्नेक्स को भी जाना पड़ा फॉर द वाइल्ड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वो आर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रीड ऑफ द स्नेक्स अब जो क्रोकोडाइल्स और लिजर्स थे थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो गए क्यों क्योंकि उनको स्नेक्स से थोड़ा सा डर लगता था बट यू ने नफ़ देस टेम्पल एंड सबको क्या लगता था स्नेक से तो सबको डर लगता था उनको लगता था यार कभी किसी का दिमाग विमाग खराब हो गया ज्यादा गुस्सा गुस्सा आ गया तो पता चला हमको रस दिया और अपना वेनम मतलब जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में डाल दिया तो हम तो निकल लेंगे एंड इट टॉक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू केल यू आफ्टर ऑल और आपको ऐसा तो नहीं है कि एक लीटर पॉइजन चाहिए होता है वो एक छोटा सा जो है वो पास में आके गुस्सा करेगा टू और देन आप तो निकल लोगे

रैड्स को खाते हैं लेकिन अब स्नेक्स थे ही नहीं तो रैट्स की तो चांदी हो गई वहाँ पे जहाँ देखो रैट्स और वो तो एकदम किसी से डरता भी डरते भी नहीं थे एंड वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम अरे रैट्स को तो मजा आ गया एकदम मतलब नो no स्नेक्स मतलब आपको आपके प्रेडेटर का डर ही नहीं आपको मालूम है आपको खाने वाला कोई है ही नहीं देवर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज इन द ग्रास इन द बुश ऑन द ग्राउंड हर जगह रैड्स ही रैट्स दे एट ऑफ द एग्स ऑफ द लेजर्ट्स एंड क्रोकोडाइल्स अब जो ये लेजर्ट्स होते थे और क्रोकोडाइल्स होते थे इनके जो एग्स होते थे जो बच्चे देते थे ये छोटे छोटे एग्स होते थे वो रैट्स खा जाते थे दे वुड बी नो बेबी इज़ दैट यू उस साल कोई बेबी बच्चा ही नहीं सारे के सारे एग्स किसने खा लिए रैट्स ने खा लिए मकारा इज ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप मकारा का खुद का जो नेस्ट था जिसमें उसके जो अंडे थे वो भी उन लोगों ने खा लिए देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया अब मकारा को एक ग्रेट आइडिया आया ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स इन सेड उसने क्या बोला उसने एक मीटिंग बुलाई और उसने क्या बोला वुडेंट इट बी वंडरफुल द्रोकोडाइल्स कुड है होल जंगल फॉर अरसेल्स कितना अच्छा रहेगा और उसने सिर्फ क्रोकोडाइल्स की एक मीटिंग बुलाई उसने बोला अब क्या हमें काम करते हैं हटा देते हैं मतलब ये पूरा जंगल में सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही क्रोकोडाइल्स रहेंगे नो वन बट अस कोई भी नहीं होगा सिर्फ हम होंगे दीज लिजर्ट्स नाउ जस्ट लुक एट देम दे हैव द स्ट्रेंजेस हैबिट्स उसने क्या बोला ये इन लिजर्ट्स को देखो कितने अजीब अजीब हैबिट्स होते हैं इनके एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर और जैसे कुछ तो अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं हाउ कैन वी ट्रस्ट सम वन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट अब हम ऐसे किसी को कैसे ट्रस्ट करते हैं जो एक सेकेंड के लिए ग्रीन दिखता है दूसरे सेकेंड रेड हो जाता है अब जिसका कलर का ही भरोसा नहीं उसका हम कैसे भरोसा कर सकते हैं लेट्स गेट रेड ऑफ टेम चलो इनको भी निकाल देते हैं बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वॉज रियली स्केड ऑफ मकारा सो दे क्लैप ड तो उनको मकारा से बहुत डर लग रहा था तो उन्होंने क्या सबने बोला हाँ वेरी गुड वेरी गुड क्लैप किया चेयर किया ये किया कि हाँ चलो ये काम कर देते हैं मकारा वॉज प्लीज प्लीज मतलब बहुत खुश हुआ वाह सब देखो कितनी मेरी तारीफ कर रहे हैं द लेजर्ट्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देअर बेबीज ऑन देयर बैक्स सब के सब जो लेजर्ड्स थे वो भी फॉरेस्ट को छोड़ के चले गए अब वापस जाने के लिए कुछ को अपने बेबीज को अपने बैक पे रखना पड़ा और जाना पड़ा क्योंकि जाना तो था बट नाउ वैन लाइफ शुड हैव बिन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबूपति ऑल काइंड ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन अब जब लाइफ कंफर्टेबल हो जानी चाहिए अब तो सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही क्रोकोडाइल्स रह रहे हैं लाइफ तो बड़ी कंफर्टेबल हो जानी चाहिए लेकिन हर तरीके की ऑफुल चीजें ऑफुल मतलब एक्सट्रीमली बैड चीजें उनके साथ होने लग गई टू बिगिन वो और ज्यादा शैतानी करने लग गए, वो और ही ज्यादा परेशान करने लग गए क्रोकोडाइल्स so मतलब अब क्रोकोडाइल्स तो रैट को खाएगा नहीं तो वो इतने फियरलेस हो गए कि भैया हाँ आओ पकड़ के बताओ तो वो उनकी बॉडी पे समर सॉल्ट करते थे मतलब वो उसके जंप करते थे उनकी बॉडी पे एंड देर वर टू मैनी फ्रॉग्स थे हर जगह में इंडक दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देर नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स अब इतने ज्यादा देख जहां देखो फ्रॉक्स अब

तो नाउ दैट वर गॉन देर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे अब हर जगह मक्खी हर जगह मच्छर इंसेक्ट्स ही इंसेक्ष होते जा रहे थे एंड देवर गोइंग नेस्टर बाय द डे नेस्टर मतलब क्या होता है वेरी बैड इट वॉज अ टेरेबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइस अब क्रोकोडेंस का जीना एकदम दुखी हो गया था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट एट हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतने अच्छे से रहते थे उनका इतना हैप्पी सा फॉरेस्ट था यह हुआ क्या देन वन डे असक्वी की लिटिल वॉयस पाइपड अपट वन ऑफ देयर मीटिंग्स तब अब जब मंथली मीटिंग हो रही थी तो एक स्क्वीकी मतलब स्क्वीकी का मतलब क्या होता है एक बहुत ही हाई पिच लेकिन बहुत धीरे से स्क्वीकी लिटिल बॉइक्स अप मतलब एक किसी ने कुछ कहा क्या कहा वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी लोगों ने क्या कहा उसने कि हमें पता है फॉरेस्ट इतना जो है हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं हमें क्या नहीं पता हम जानते हैं ना सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट क्योंकि सबको पता था क्या हो रहा है दे लुक डेट मकारा फ्यरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुक नर्वस उन सब ने मकारा को देखा ऐसे देखा कि बस तुम्हें भी पता है कि क्या गलत हुआ है तुम्ही किया है जो भी गलत किया है अब मकारा ने गुस्सा नहीं किया इनफैक्ट वो पहली बार नर्वस था ही शुक र रैट ऑफ इटेल एंड आज द स्मॉल क्रोकोडाइल उन्होंने जो था अपने उनकी जो पूछ पे एक रैट बैठा हुआ था उसको हटाया और उस छोटे से क्रोकोडाइल से क्या बोला वाई लिटिल फेलो इट ऑल बिगेन विद द टॉट तो उसने बोला कि फेलो मतलब क्या हुआ है क्या क्या अलग हो रहा है हमारे इसमें तो उसने बोला टॉट ओके ओके मकाला तो उसने क्या बोला अब वो बताने लगा कि इट ऑल बिगेन विद द टोटोइसार ही वांटेड टू नो कि ये सब स्टार्ट हुआ जब आपने टोटोइस को भेज दिया था अब मकाला अपनी गलती तो मानेगा नहीं तो उसने क्या बोला हाँ ठीक है ठीक है पता है मुझे देर इज नो नीड टू टो मच इतना बात करने की कोई जरूरत नहीं है मकाना डिड नॉट टू एडमिट ही नहीं मानना चाहता था कि उसने गलती की है लेकिन उससे अब क्या फर्क पड़ता था ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नो दैट ही वॉज नॉट एट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और ऑलवेज राइट अब सब क्रोकोडाइल्स को एक चीज समझ में आ गई थी कि मकाना ना कोई इतना ज्यादा पावरफुल है ना इतना स्ट्रांग है और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा राइट right ही हो

और एक कितना अच्छा दिन था जब सब के सब वापस आ गए फैमिली आफ्टर फैमिली विद लिटिल वन ऑन देयर बैग्स और स्ट्रगलिंग बिहाइंड सब के सब एक के बाद एक वापस अपनी फैमिली के साथ आने लग गए जिसमें उनके जो बच्चे थे कुछ उसकी पीठ पे थे कुछ उनके पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे शाउटिंग एट पेरेंट्स टू वेट फॉर देम की बोलो क्या बता रुको रुको हम भी आ रहे हैं इन टू मंथ्स द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल दो महीने के अंदर पूरा जो फॉरेस्ट था इट वॉज बैक टू नॉर्मल द रैड्स डिसअप्योर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फमीलियर ओल्ड सेल्फ दो महीने के अंदर वापस सब अच्छा, अच्छा हो गया रैड्स चले गए इंसेक्ट्स हट गए वहाँ से वो जो अजीब सी बदबू आ रही थी वो भी हट गई अब वापस जो पूरा जो वर्ल्ड था उनका उनका जो पूरा फॉरेस्ट था वो वैसा ही हो गया जैसे वो पहला था फेमिलियर का मतलब क्या है जैसा वो पहले जानते थे उसको वापस वो वैसा हो गया वेल well, प्रेम सेट द ओल्ड मैन अब यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है पंबुपति के बारे में तो प्रेम से क्या बोला उस ओल्ड मैन ने हैव यू फॉलन स्लीप क्या सो गए हो तुम डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू अ ड्रीम लैंड क्या हो गया मेरी स्टोरी से तुमको क्या तुम किसी सपनों के देश में पहुँच गए क्या आई शुक माई हेड नो ग्रैंड फादर आई वॉज जस्ट थिंकिंग उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं सोया हूँ मैं सिर्फ सोच रहा था मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज और मुझे लगता है कि शायद यही वो टाइम है जब मुझे वापस अपने गांव जाना चाहिए बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दिम क्योंकि मुझे उन्हें एक स्टोरी बतानी है बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी लेकिन अब उसने क्या पूछा ओल्ड मैन से लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन उसने क्या बोला कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं की पैट इट मतलब हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं दीज टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल ये जो स्टोरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ ये स्टोरी से वैसे हमने सीखा क्या ये सीखा कि हम अकेले नहीं रह सकते वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन आइसोलेशन का मतलब होता है आप अकेले नहीं रह सकते आपको अपने आसपास हर तरीके की लोगों की ज़रूरत होती है अच्छे लोगों की भी ज़रूरत होती है बुरे लोगों की भी ज़रूरत होती है क्यों होती है क्योंकि जब वो कोई काम बुरा करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छाई की इम्पोर्टेंस क्या है जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हमें अच्छे बने रहना चाहिए हमारे आसपास हैं हमारे इसमें बारबर्स होते हैं कॉबल्स होते हैं आप क्या अपने शूज़ खुद बना सकते हो अपना खाना खुद उगा सकते हो अपने कपड़े खुद बना सकते हो नहीं आपको हर तरीके के लोगों की ज़रूरत है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते आप नहीं बोल सकते अरे ये तो सिर्फ फार्मर है और मैं तो एक बहुत बड़े एम में जॉब करता हूँ तुम तो हम एम में, में जॉब करते हो लेकिन तुम्हारा खाना तो वही फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है सो इससे क्या पता चलता है कि हम लड़ नहीं सकते आपस में हमें साथ में रहना है वी हैव टू स्टे टूगेदर टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ सम ऑफ देम अब उसने क्या बोला ओल्ड मैन ने कि तुम जाओ और ये स्टोरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ सम ऑफ यू सम ऑफ देम में लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू हो सकता है कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है और ये सारी चीज ये, ये कहानियां सच नहीं होती बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे लेकिन एक दिन आएगा जब वो उस स्टोरी को याद करेंगे एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अर्स हैज़ अ प्लेस इन द स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ अर्स और उनको क्या समझ में आएगा कि हम सब की एक स्पेशल जगह है इस वर्ल्ड में ये जो बहुत बड़ा सा स्ट्रेंज सा वर्ल्ड है इसमें कोई भी इंसान यूजलेस नहीं है कोई भी इंसान की ऐसा नहीं है दैट दे आर जस्ट थेंग देर एवरी बडी इज़ रिक्वायर्ड एवरी बडी हैज़ अ प्लेस इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड दिस इज़ वॉट दोरी ऑफ पम्बूपति वॉन्टेड टू टेलरस ठीक है तो इससे अब हमें क्या मॉडल मिलता है हमें ये समझ में आता है कि हमारे आस पास जितने भी लोग हैं अगर हमें लगता है कि हम इनके बिना भी रह सकते हैं तो हम गलत हैं हमें हर किसी की ज़रूरत है और हमें हर किसी को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए किसी को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए किसी को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए लेकिन हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा जो टोटल इको है जो हमारा फूड चेन है पढ़ाई होगा आप लोगों ने जो फूड चेन होता है अगर कोई भी एक नहीं हुआ ना तो हम परेशान हो जाएंगे इसलिए दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो गाइज दैट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट पम्बूपति राइट एंड नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विथ द एन सी आर टी सोल्यूशंस लेकिन उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर आप पहले अच्छे से समझ लो तो अगर इस वीडियो को अपन ने फटाफट देखा है ऐसे कि हाँ जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो वो मत करना बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जो लाइन्स हैं फ्रेजेस हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो फ्रेजेस यूज़ किए हुए हैं इडियम्स यूज हुए हैं सो यू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपर